सो हाय एवरीबॉडी, जिन लोगों ने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सीक्रेट्स आने वाले हैं हाउ आई स्कोर्ड 95 इन मैथ्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ पहले ही कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर आप क्लास 12 बोर्ड में हैं, ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं 24 जून को बना रहा हूँ, तो 24 जून मैं ये सोचता हूँ कि नेक्स्ट वीक तक अगर आप वीडियो देखते हो तो 1 जुलाई से मैं काउंट करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ कि जुलाई टू अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर टू जनवरी मैं सोचता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में हुआ तो आपके पास कितने मंथ्स है? 7 मंथ्स है, ठीक है, 7 मंथ्स। या फिर अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी में भी हुआ तो मैं आपको 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ, यहाँ पे काउंट आउट लिखते हैं 6 मंथ, इसलिए 6 मंथ आपके पास है। अगर मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब क्लास 12 बोर्ड की प्रिपरेशन अभी शुरू भी नहीं की आपने, ऑल्दो आपने शुरू किया होगा और कम से कम दो से तीन चैप्टर्स आपने कंप्लीट भी कर लिए होंगे, तो आपके पास एक और बूस्टर है कि आपने 2 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया। अगर आपके पास 6 मंथ है, अभी आपने बुक को छुआ तक नहीं है, तब भी आप 95 ला सकते हो। यस यू कैन इस जो भी स्ट्रैटेजी को मैं बताने जा रहा हूँ इसको एकदम प्रॉपरली फॉलो करना है। यू कैन टेक इट एज अ ट्रिक, जो भी लेना है ले लो, लेकिन इसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया ना तो परफेक्टली यू गोना स्कोर 95 इन द मैथ्स, मतलब बोर्ड मार्क्स में, बोर्ड में तो आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड में, उतना बड़ा भी नहीं है इस टारगेट को अचीव करना, ठीक है। तो मैंने अचीव किया है, बहुत लोगों ने अचीव किया है, आप भी अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है इस बुक से। ये बुक का नाम सुना सुना लगता है ना, NCERT Volume 1 Volume 2। तो Volume 1 and Volume 2 को लिया, सबसे पहले क्या करना है, इस बुक को 3 बार सॉल्व करना है। उसके बाद इसको 1 times, इसको भी 3 times। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं लेता हूँ एक एग्जांपल ले लो। मान लो कि तुमने शुरू किया ITF से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर तुमने चूज किया, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन में यही तुम्हें पढ़ाया गया, ठीक है। तो मान लो कि तुमने क्वेश्चन में पढ़ा उसका थ्योरी, ठीक है, सर ने कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वो भी तुमने कर लिए, ठीक है। अब तुम घर पे आओगे, घर पे आने के बाद सबसे पहले NCERT बुक लेना है। NCERT बुक में लेट्स से अज्यूम 60 क्वेश्चन है, मिसलेनियस वगैरह सबको काउंट कर लो, एक भी एग्जाम्पल तक को नहीं छोड़ना है, मतलब एग्जाम्पल्स भी करने हैं, बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी करने हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी करने हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी करने हैं, सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने बुक लिया, तुमने जितना भी थ्योरी पढ़ा था उसके अबाउट तुमने ऑल 4 एक्सरसाइज के थ्रू गए, मतलब सबको सॉल्व किया, और 60 क्वेश्चन में से लेट से तुमसे 15 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाया, 15 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाए, बस 15, तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन रह गए, 45। ये क्या है, ये 45 वो क्वेश्चन है ना जो तुम्हें इतना ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हो, शायद ये 15 क्वेश्चन उतना ना प्रोवाइड कर पाए जितना ये 45 तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। अब क्या करना है, तुमसे जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तुम्हारा बुक है, इस बुक में ही न्यू बुक ले लेना, ठीक है, और उस बुक में टिक कर लेना जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको टिक कर लेना, बाकी जो हो गया और उसको तरफ देखना भी नहीं है, कभी नहीं देखना उसकी तरफ। ये जो 45 क्वेश्चन है ये तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब इन 45 क्वेश्चन को मार्क आउट कर लिया, ठीक है, अब इनके सॉल्यूशंस देखो, या फिर टीचर से जाकर पूछो, या फिर फ्रेंड से पूछो, मतलब किसी तरीके से इन 45 के 45 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है विद इन 4 to 5 days, मतलब उसी वीक में सॉल्व कर लेना है इन 45 क्वेश्चन को, उसी वीक में सॉल्व कर लेना है, और पर डे तुम 5 क्वेश्चन लेके चलो, या फिर 5 तो नहीं हो पाएगा और 6 ले सकते हो, 7 ले लो पर डे, 7 क्वेश्चन, एटलीस्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व करके तो हो जाएगा, उसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन पर डे हम लोग सॉल्व करेंगे इन 45 को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट डे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है।
अब क्या करना है, इस एनसीईआरटी से आना है इसमें आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा, ये भी बुक का नाम कोई सुना सुना लगता है। दोनों में से किसी एक बुक को सॉल्व करना है, दोनों में से किसी एक बुक को सॉल्व करना है। इसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें मोर देन 10000 क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, एग्जांपल्स को भी काउंट कर लो तो दोनों बुक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, किसी एक बुक को ही सॉल्व करना है। ये फिक्स कर लो कि कौन सा बुक तुम सॉल्व करोगे, या तो तुम आर एस अग्रवाल के साथ जा सकते हो या तो तुम आर डी शर्मा के साथ जा सकते हो, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है और एक बार सॉल्व करना है, पूरे बुक को बस एक बार सॉल्व करना है, दोबारा इसके तरफ नहीं आना। मान लो कि तुमने ITF NCERT सॉल्व किया और जितने भी क्वेश्चंस थे तुमने सबको सॉल्व कर लिया, ठीक है, 45 जो नहीं थे उसको भी किसी से पूछ के सॉल्व कर लिया। अब तुम आर एस अग्रवाल में आओगे, उसमें सॉल्यूशन दिए रहते हैं एग्जांपल्स के और एक्सरसाइज के, दोनों के सॉल्यूशन मिलेंगे तुम्हें, तो तुम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जैसे आर एस अग्रवाल का ITF कंप्लीट हुआ, अब तुम सीधा जंप कर जाओगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बैंक तुमने लिया अध्ययन कर लो या फिर जो भी पब्लिकेशन कर लो, तो तुमने इसको सॉल्व किया। अब इसके अगर मान लो कि लास्ट 10 ईयर्स में, पूरे लास्ट 10 ईयर्स में लेट्स से 20 क्वेश्चंस आए हैं ITF से, लास्ट 10 ईयर्स में 20 क्वेश्चन आए, पर ईयर अगर 2 क्वेश्चंस का भी ऑन द एवरेज लेके चलो तो 20 क्वेश्चंस हैं, तो तुम्हें क्या करना है, इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन 20 क्वेश्चंस में से मान लो तुमसे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, 5 क्वेश्चन सॉल्व पाए, 55 क्या आए हैं, मतलब 15 क्वेश्चंस क्या है रिमेनिंग, ये तुमसे नहीं सॉल्व हो पाए, कोई बात नहीं होता है ऐसा, तो इन 15 क्वेश्चन को फिर ऐसे ही करना है, टिक लगा लेना, ठीक है, टिक लगा लिया, अब हो गया कंप्लीट, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब सेकंड राउंड आता है, सेकंड राउंड में क्या करना है, फिर से एनसीईआरटी पे आना है, एनसीईआरटी में जो 45 क्वेश्चंस थे ना इसको फिर से करना है तुम्हें। अब इसे फिर से करना कैसे है कि ये 45 क्वेश्चंस को बस लो और उसको फिर से एक बार सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे, पहले सॉल्यूशन नहीं देखना आपको, सॉल्व करना है। इस बार तुमने और 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस तुमसे कितने 30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए, मतलब 30 नहीं, इस बार मान लो कि तुमसे 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, 20 क्वेश्चन तुम्हारे क्या हो गए, रिमेनिंग हो गए, ये 20 क्वेश्चन रिमेनिंग हो गए, इसको तुम्हें इस बार सर्कल करना है, इस बार सर्कल करो, जो जो 20 क्वेश्चन तुमसे नहीं सॉल्व हो पाए उसको सर्कल कर लो, ठीक है। सर्कल करने के बाद इसको इसका सॉल्यूशन देखो इन 20 क्वेश्चन के और फिर से सॉल्व करो, सॉल्यूशन बुक खरीद लो या फिर टीचर से पूछ लो, फ्रेंड से पूछ लो, किसी से पूछ लो, लेकिन ये 20 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद इस बार डायरेक्ट जब यहाँ पे करना है PYQ पे, PYQs में जो 15 क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए थे ना, इसमें से एटलीस्ट तुमसे 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ 12 क्वेश्चन, अगर दोबारा NCERT सॉल्व किया तो इस बार 12 क्वेश्चन होंगे, बस तुम्हारे 3 क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे, 3 क्वेश्चन क्या होंगे तुम्हारे रिमेनिंग होंगे, तो इन 3 क्वेश्चन को पे क्या लगा देना है, स्टार लगा दो, इन तीनों क्वेश्चन पे क्या लगा दो स्टार, बिकॉज ये वैसे 3 क्वेश्चन है ना तुम्हें इतना ज्यादा ये नॉलेज प्रोवाइड करना है तुम सोच भी नहीं सकते, फाइनल रिवीजन के टाइम ये बहुत काम आएंगे ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड राउंड में कंप्लीट, मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, अब थर्ड राउंड में तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुमको इस चैप्टर को छोड़ के अब नेक्स्ट चैप्टर के तरफ आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करो, यही टेक्निक है, लेकिन जब जिस दिन तुम फाइनल रिवीजन कर रहे होगे, मान लो तुम्हारा प्री बोर्ड्स आया तो तुम फाइनल रिवीजन कर रहे होगे या फिर बोर्ड एग्जाम के पहले भी, तुम अगर इस टेक्निक को यूज करो तो थर्ड राउंड उसी समय यूज करना है, या तो तुम प्री बोर्ड के पहले यूज करो, हाँ प्री बोर्ड के पहले यूज कर सकते हो तुम, थर्ड राउंड को प्री बोर्ड के पहले यूज करो, मैंने प्री बोर्ड के पहले यूज किया था, तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम फाइनल एग्जाम के पहले इस थर्ड राउंड को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम है तो प्री बोर्ड के पहले भी इसको यूज करो, ज्यादा बेनिफिट होगा। तो थर्ड राउंड में क्या करना है, इसमें से जो 20 क्वेश्चन थे ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, आई थिंक अबाउट 18 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन रिमेनिंग है, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे रिमेनिंग है, इन पे भी इस बार इन पे स्टार लगाना है, वो 2 क्वेश्चन पे स्टार लगा लिया, ठीक है। उसके बाद इधर जंप करो तो ये 3 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे जिस पे तुमने स्टार लगाया था, अब तुम्हारे सारे डाउट कंप्लीट हो गए, ठीक है, मतलब अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा, तुमने PYQ भी सॉल्व कर लिया, तुमने NCERT भी सॉल्व कर लिया, नाउ यू गोना स्कोर 95 या फिर 100 या फिर 90 प्लस तो स्कोर कर सकते हो, एटलीस्ट 90 प्लस तो स्कोर कर सकते हो तुम लोग, नहीं भी क्या ना तो 80 प्लस तो स्कोर करोगे, और इसको 100% फॉलो किया तब, अब मान लो कि तुम उसको 100% फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे 100 मार्क्स कैसे आएंगे, तो तुम्हें इन तीनों चीज को एकदम अच्छे से फॉलो करना है। अब मान लो कि तुमने प्री बोर्ड्स के पहले 3 बार रिविजन कर लिया तो पूरा मैथ्स का, अब तुम्हें क्या करना है एग्जाम के पहले, एग्जाम के पहले तुम्हें बस PYQ लो, मतलब PYQ कह रहा हूँ मॉक पेपर्स
मॉक पेपर्स कितने कर लेने चाहिए मैथ्स के लिए? 10। टाइम बाउंड प्रैक्टिस 3 आवर्स में, 3 आवर्स में टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है और 10 मॉक पेपर्स एटलीस्ट करने हैं। कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, इतना अगर तुमने किया मैथ के लिए, एटलीस्ट तुमने मैथ के लिए इतना कुछ किया, यू गोना स्कोर दैट 95 स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं किया फिर भी तुम 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने सेकेंड राउंड तक ही फॉलो किया, थर्ड राउंड के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा, तो तुम जा भी सकते हो उसके लिए कि सेकेंड राउंड तक कंप्लीट किया मैंने और उसके बाद यस यू कैन स्कोर इट, अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ये सीक्रेट कैसा लगा इसको कमेंट में लिख के बताइए। अगर अच्छा लगा तो यस कमेंट में लिखिए, और वीडियो को तो आपने लाइक और सब्सक्राइब पहले ही कर दिया, तो थैंक यू, दैट्स ऑल। और इस चैनल पे स्टे ट्यून रहो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालते रहूँगा एंड यू विल बी डेफिनेटली गोना गेट द बेनिफिट ऑफ इट। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।